पुलिस विभाग के एडीजे डीसी सागर और निमाड़ रेंज के डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा बुरहानपुर में निरीक्षण के लिए आए हुए थे। इन वरिष्ठ अधिकारियों ने कंट्रोल रूम में एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी अमर इंगले, ज्ञानू जायसवाल, राहुल कांबले, हरि सिंह रावत को सम्मानित भी किया। खास बात यह है कि 181 शिकायत में बुरहानपुर जिले के बेहतर काम करने को लेकर इन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस विभाग की जमकर तारीफ भी की है। मध्य प्रदेश में जो शासन की एक फ्लैगशिप योजना है 181, जिसमें जनता शिकायत दर्ज करा सकती है, उसके निराकरण के लिए समय समय शिकायत का निराकरण करना होता है। उसकी समीक्षा के लिए माननीय डी सर ने मुझे यहाँ पहुँच के भेजा है। इंदौर ग्रामीण और इंदौर शहर पहले सत्र में किया है, और जो बुरहानपुर में है, बुरहानपुर की जो मैंने समीक्षा की पाया कि यहाँ के जो आई जी हैं जोन के और डी आई जी हैं, एस पी की टीम है, पूरी निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने झंडे गाड़े हैं, अपने आयाम से शांति व्यवस्था बनाए रखी, ऑनरोड बनाए रखें, क्राइम कंट्रोल में और जो मेले और सब चीज़ें लगती हैं उनके में डिजास्टर मैनेजमेंट, उसी प्रकार 181 की शिकायतें हमने बहुत तेज़ी से उसमें अपनी पंजीबद्ध की है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी प्रकार से काम करते रहेंगे, और जिन्होंने उत्कृष्टतम काम किया है उनको यहाँ पर मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया, और बाकी सब ने अच्छा किया परंतु बहुत अच्छा काम किया उनको बहुत अच्छा पुरस्कार मिला है, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए कहा इससे हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हम पूछते थे, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भवरों की बहाव में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, एक तेवर तूफान का त्योरी तन गई मौत से। तो ये जो अंश है कविता के, कालजी कविता, ये भारत के प्रधानमंत्री परम श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, वैश्विक स्तर की कविता है, मौत से उससे मैंने प्रेरित करने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं ये नवीन उत्साह से लबरेज होकर अपने अपने कर्तव्य के निष्पादन में अच्छी तरह से करेंगे और हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा रखेंगे। सीधी मॉनिटरिंग करते हैं, वो भी एक वजह है कि हमें निष्ठापूर्वक अपने निष्पादन करना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।